आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में पीएम केयर्स फंड के सौजन्य से बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके सिंह, ब्लड बैंक के सुभाष पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में काफ़ी दिनों से ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इस अस्पताल में जिले के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं और कोरोना काल में भी मरीजों को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई थी। तभी मंडलीय चिकित्सालय समेत आजमगढ़ के 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अतरौलिया, चक्रपानपुर, लाटघाट, लालगंज में पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो चुका है। अब मंडलीय चिकित्सालय में प्लांट के शुरू होने से अस्पताल की प्राइवेट वेंडरों पर निर्भरता नहीं रहेगी। यहां पर भर्ती मरीजों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने बताया कि प्रधानमंत्री के जनसेवक के रूप में 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद ऋषिकेश से 28 राज्यों के 1132 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए हैं। संवाददाता अमित खरवार की रिपोर्ट। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन सेवक के रूप में 20 साल पूरे हुए हैं। पहले वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था आज ही के दिन, और इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से पूरे देश में 28 राज्यों में एक साथ जो कोरोना महामारी आई थी, देश में ऑक्सीजन की जो भी थोड़ा बहुत कमी थी उसको पूरा करने के लिए 1132 ऑक्सीजन प्लांटों का एक साथ लोकार्पण किया है।